हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं आदि, आपको मेरे इस एक्सप्लोर पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्रीखत्र घूमने जाएंगे। श्रीखत्र मतलब पूरी वाला श्रीखत्र नहीं, बल्कि कोरापुर पे रहने वाला सबर श्रीखत्र। सबर श्रीखत्र बोलने का मतलब इसी मंदिर को सबर राजा ने बनाए थे, इसीलिए इसी मंदिर को सबर श्रीखत्र बोला जाता है। सबर श्रीखत्र कोरापुट बोला जाता है कि जगन्नाथ संस्कृति का आदि भूमि है। प्रभु जगन्नाथ को सबर राजा अपने नीलकंद पर रखकर पूजा करते थे और रोज प्रसाद चढ़ाते थे। आज भी यहीं के निवासी प्रभु जगन्नाथ को अपनी आदिदेव मानते हैं। यहीं के आदिवासी अपनी निष्ठा के साथ प्रभु जगन्नाथ को पूजा करते हैं। इस मंदिर को देखने में पूरी जगन्नाथ मंदिर के साकार रूप है, इसीलिए इसी मंदिर को श्रीखत्र भी बोला जाता है। सबर श्रीखत्र बोलने का मतलब इसी मंदिर को सबर राजा ने बनाए थे, इसीलिए इसी मंदिर को सबर श्रीखत्र बोला जाता है। इसी मंदिर पे प्रभु जगन्नाथ के लगभग 32 रूप देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ मंदिर के चतुर्पार्श्व बहुत सारा छोटे बड़े मंदिर देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि गणेश मंदिर, नवग्रह मंदिर, सरस्वती मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और महादेव के मंदिर। ऐसे ही बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलेगा। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए मंदिर के अंदर वाला हिस्सा नहीं दिखा है। मंदिर पे अन्न प्रसाद करने के लिए एक बहुत ही बड़ा अन्न भंडार है, जिसको आनंद बाजार कहा जाता है।
मंदिर पे एक गायत्री मंडप है जहाँ पे सर्वदा गायत्री मंत्र पाठ होता है और यज्ञ चलता रहता है। मंदिर के थोड़ा सा नीचे तरफ मतलब आनंद बाजार के पास देश विदेश में रहने वाले महादेव के प्रतिमा और महादेव के मंदिर इस मंदिर पे देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे कोरापुट के मोस्ट पॉपुलर जगन्नाथ मंदिर मतलब श्रावस्ती क्षेत्र आपको दर्शन करवाया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, इतने में रहता हूँ, मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो पे।